होम्योपैथी चिकित्सा के जनक डॉक्टर हैनीमैन के जन्मदिवस के अवसर पर रविवार को भगत चौराहा देवरिया बाईपास रोड पर निजी क्लिनिक द्वारा चिकित्सा शिविर एवं गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस मौके पर गोष्ठी को संबोधित करते हुए डॉक्टर वी के उपाध्याय ने कहा कि होम्योपैथिक चिकित्सा से असाध्य रोगों का इलाज कम खर्च में बिना जाँच के सुरक्षित तरीके से किया जा रहा है, इससे लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। डॉक्टर वी के उपाध्याय ने कहा कि जहां एलोपैथी दवाओं के साइड इफेक्ट की संभावना होती है, वहीं दूसरी ओर होम्योपैथी पूरी तरह से सुरक्षित है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर वी के उपाध्याय ने कहा, आज डॉक्टर सिमर हैनीमैन की जयंती मनाई जा रही है। ये हमारे पैथी के जनक हैं, उसके उपलक्ष्य में ठीक है एक गोष्ठी का आयोजन और मुफ्त में कोविड की दवाओं का वितरण का आयोजन किया गया है और ये बताया जाएगा कि कोरोना से बचने के लिए सरल उपाय क्या हैं और होम्योपैथिक दवाओं का कितना असर है। बहुत ज़्यादा कारगर हो रही, लोगों को जितने लोगों को दवा वितरण दिया जा रहा है काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ रहा है, क्योंकि जो होम्योपैथिक दवाएँ हैं केवल जो है प्रिवेंशन के लिए दिया जा रहा है, कोरोना को ठीक करने के लिए नहीं। कि जो आपको दवाएं दी रही हैं, अगर जो ले रहे हैं तो जो डेप्थ ऑफ डिजीज है, जो उसके इन्फेक्शन वो रिड्यूस होंगे, काफ़ी कम असरदार होंगे, तो उससे लोगों को बचाया जा सकता है। सिम्टम के आधार पे उसको दवाएं दी जाती हैं कि जैसे कफ है, कोल्ड है कि कोराइजा है, उसके आधार पर उसको दवाएँ दी जाती हैं जिससे उसके इम्यून सिस्टम को बूस्टर किया जा सकते हैं, उसमें रिकवरी भी मिलती है।